जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करे। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई, पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं, तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिनकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह चटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह से जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी, गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहां से जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आके पोछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसे बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है, सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है
मायके में एक अजीब कशिश होती है। मायके में ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटिया। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती है ये बेटिया, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटिया, कितनी नटखट है ये बेटिया, भगवान की अनमोल देन है ये बेटिया। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी ना रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार जोड़ती है, दो रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे, हमेशा भला ही हो वो मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।